तुम्हारे भगवान कर रह गई उसी बिचारी सोच समझ के कर नजर में अब गुण थे वो तो अपनाया था।
मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुक भाई मुझे कौन से गन कर रहे ये नर जुदाई था मुझे कौन से गन कर रहे ये नर जुदाई था मुझे कुछ तो बता प्यारे कुछ तो बता प्यारे कारण उस भाई का ये कुछ तो बता प्यारे कारण उस भाई बड़ी दूर उनको गोबर नगरी लगती है दूर नगरी बड़ी दूर आपके बीच में भी तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी
कमर मोरी और झटपट चलूं तो प्यारे झटपट चलूं तो प्यारे तू तेला करी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कन्हैया तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी तू नगरी बड़ी दूर नगरी सुदामा जी पहुंचते पहुंचते पहुंच गए द्वारका के महल के बाहर दरवाजे पर और दरवाजे पे पहुंच करके सुदामा जी खड़े हो जाते हैं। वहां पर द्वारपाल है, द्वारपाल से पूछा, भैया यहां कन्हैया कहां है? बोले कौन कन्हैया? बोले मेरा बचपन का मित्र। बोले यहां कोई कन्हैया नहीं है। बोले नहीं, वो ऐसे द्वारका का राजा है। बोले द्वारका के राजा का नाम कन्हैया क्यों नहीं है? बोले श्री श्री 1008 श्री यदुवंश मणि श्री कृष्णचंद महाराज कहो। बोले भैया इतना बड़ा नाम तो नहीं, लेकिन हमारे साथ खेला हमारा मित्र कन्हैया। द्वारपालों ने ऊपर से नीचे करने का बोले दुख तो कभी से नहीं रहते। बोले कहाँ वो राजा और कहाँ इस अवस्था में? तो बोले हम उनके बचपन के मित्र हैं और हमारा नाम सुदामा है और आप जाकर के हमारे मित्र अपने स्वामी से कहो, अपने राजा से कहो कि आपका बचपन का मित्र सुदामा लेके आया है। और बन गई वीडियो भैया, रख लो मोबाइल। एक दूत को जो वो पहले रार था, वो द्वारपाल था, वो भगवान से आकर को संदेश देता है। भगवान से कहता है किसी से पगा न जगा तन पे प्रभु जान को ही बसो के ही ग्राम और धोती पटी दती लुपटी और पाए पाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
करने आसमोले सामने दुलाए करने आसमोले सामने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए करने आसमोले सामने दुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए करने आसमोले सामने दुलाए पग कंडक जाल लगे पुनी दोए हाय महादुख पायो दुख तुम आए किते ना किते देखो तेरी सुदामा की करुणा करके पानी परात को हाथ छुबो नहीं नैनन के जमीन को पग धोए फिर क्या कहने लगे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर उठा करके देखिए सुदामा जी के चरण धुला दी अब क्या हो गया भगवान कन्हैया कह रहे हैं खुशी का समा तेरे करीब आ गया खुशी का समा तेरे करीब आ गया अरे मां कालो कभी याद करो मेरे लाडो तुम्हारे बहले के करीब आ गया है तुम्हारे बहले के करीब आ गया है। अब सुदामा और कृष्ण जी के प्रेम में सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की सेवा करेंगे और क्या गाएंगे अरे द्वार पालो मिलने सुदामा लगी बाबाया है मिलने सुदामा खुश लगी बाबाया है मिलने सुदामा खुश सुदामा जी महाराज तो आठ शादी हुई और सुदामा जी ने जैसे ही सुना तो बोले भैया गाय हम तो एक होनी संभाल पा रहे तो 16108 कैसे संभाल लो तो भैया बोले भगवान की संभल जाते हैं भैया जब जिम्मेदारी होती है तो संभालना तो अपने आप पड़ता है। इस प्रकार हम कुशल पूछते हैं सुदामा जी आशीर्वाद सभी रानियों को देते हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान को एक सुदामा जी की पोतली दिख गई जो कांखरी में दबाए थे तो सुदामा जी ने देखा बोले ये क्या है बोले कुछ नहीं है। सुदामा जी डर रहे थे कि बताओ अगर कन्हैया देखेगा इन चावल की इन चावलों को तो क्या कहेगा हंसेगा हम पर कि वो राजा है और बताओ इन चावलों को खाएगा। तो सुदामा जी
जीत रहे हैं और कृष्ण जी देख कह रहे हैं कि हमें दो। कृष्ण जी जीतते जीतते क्या होता है कि सुदामा जी से पोटली कन्हैया खींच लेते हैं और खींच करके उस पोटली की गांठ को खोलते हैं और गांठ खोलते ही उसमें क्या देखा माता। देखिए शांति का परिचय दे, 5-10 मिनट और बैठ जाए, आपसे इतना सब्र होता नहीं है तो ना जाने भैया साउंड के तरह इतना अलग हो जाइयो पर है ऊपर। जिनके भी चावल जिनको देने तो वहीं आस पास किसी भैया को दे दो, वो रख जाएंगे। आप लोग मत आओ, गैलरी में से किसी को मत आने दो, बैठो जाओ। भैया को दे दो, कोई भैया बीच में चले जाओ, बीच में से उठ के मत आओ। हाँ 10 मिनट और बैठे रहो। तो उस पोटली को खोलते और उस पोटली में देखा गोविंद ने कि इसमें 7 प्रकार के चावल हैं। देख के ही समझ गए गोविंद ने चावलों को नहीं देखा, गोविंद ने उसमें भाभी सुशीला के छिपे हुए प्रेम को देखा, भाभी सुशीला के छिपे हुए प्रेम को और भाव को देखा। और देखते ही गोविंद की आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो गई। बोले वाह भाभी मान गए, तुम्हारे घर खाने को नहीं है फिर भी तुम चावल दे रहे हैं। और गोविंद ने उसे प्रसाद समझकर एक मुट्ठी चावल लिए और एक मुट्ठी चावल खा लिए। और पहली मुट्ठी दूसरी मुट्ठी बांधी, दूसरी मुट्ठी भी खा ली। एक में स्वर्ग पृथ्वी लोक दे दिया और एक में स्वर्ग लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी बांधी और तीसरी मुट्ठी बांध कर जैसे ही खाने लगे इतने में माता रुक्मणी ने रोक लिया। बोले प्रभु क्या कर रहे। बोले अगर ना बेमुट्ठी दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए फिर रुक गए। उस मुट्ठी को लेकर के माता रुक्मणी और समस्त रानियों ने खाया। इसके पश्चात सुदामा जी को विदा करते हैं भगवान और सुदामा जी अपने नगर में आते हैं तो देखते हैं यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया अजो कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखो रे। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़िया थी और अब कंचन महल कैसे खड़े, तो इसके बाद देखने के बाद भगवान की लीला समझ जाते हैं। और राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कृष्ण की वंशावली बताई। कृष्ण का यदुवंशियों को ऋषि का श्राप लगा, इसलिए यदुवंशी आपत में मरकर समाप्त हो गए। सुखदेव जी उपदेश करते हैं कि हर चीज मात्र पूरी कथा का सार मैं 10 मिनट में बताऊंगा। अब जिसको सुनना हो तो वो तो शांत रहे, कथा को फल जो लिया है जो 10 मिनट अब बचे। पहले जी आजू बाजू वाले जितने आजू बाजू में खड़े सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जे जितने जे खड़े हैं ना सामने।